हे गाइस, आज हमारा टॉपिक है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। और उसके पहले आज के दिन का अपडेट, आज हमने ट्रेड लिया था पीवीआर में। ये पीवीआर का चार्ट है। एक्चुअली देखना, मतलब देखने के लिए मुझे लेट हो गया। मैंने कुछ ये लेवल पे आइडेंटिफाई किया था इसे, ये लेवल पे मैं सोचा था ये लेवल जब ब्रेकआउट होगा, ये लेवल, तो ये लेवल से हम इसमें बाइंग करेंगे। उसी हिसाब से मैंने बाई किया था। देखो ऑर्डर में अगर देखने जाओगे तो ऑर्डर में 1497 को हमने बाय किया था और उसमें हमने 1600 रुपये प्रॉफिट किया आज के दिन में, 1690 रुपये। ये एक ट्रेड में मेरे 550 लॉस हो गए थे, पर ओवरऑल आज के दिन में हमने 1140 रुपये ऑलमोस्ट बुक किए हैं। ये लेवल पे मैंने आइडेंटिफाई की करके यहाँ पे ट्रेड लिया था। अभी भी ये फिलहाल ऊपर जाने की तैयारी है इसकी, पर देखते हैं। चलो अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज का चार्ट देखा जाए तो ये रहा चार्ट, जो कि अपर सर्किट लग चुका है। कल के दिन में भी इसमें आप एंट्री ले सकते थे, परसों के दिन में ये अपर सर्किट पे ही लगा था। ये देखिए, ये जो लेवल था और ये कंटिन्यूसली उसके अप ट्रेंड में ही है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज अप ट्रेंड में क्यों है, उसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट देखा जाए तो देखो इसकी लिस्टिंग हुई थी कुछ 50-55 रुपए के आसपास हो रही, 55 रुपए के पास। 55 से लेके ये अभी तक नीचे आया ही नहीं, 131 पे आज अपर सर्किट लग चुका है। मतलब दुगने से भी ज़्यादा इसका रिटर्न हो चुका है। और ये अपर सर्किट लगने की वजह, मतलब हेमिस्फीयर जो है स्पेशल पर्पज़ व्हीकल एंड कस्टडियन ऑफ लैंड दैट यूज टू बी ओन बाय VSNL, जो करंटली उन्होंने टाटा कम्युनिकेशंस के पास जो लैंड था वो उन्होंने छुड़ा लिया है। और हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स होल्डिंग इन VSNL। मतलब उनके पास जो था प्रॉपर्टी उसमें से VSNL अभी अलग हो चुका है। तो देखिए, एक्चुअली टाटा कम्युनिकेशन से अलग होने के बाद इनके पास जो भी लैंड बैंक आया है उसका कीमत बहुत ज़्यादा है। उसका कीमत ही इतना ज़्यादा है कि ये शेयर इतने नीचे ट्रेड कर ही नहीं सकता, इसलिए ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा है अभी। और इसमें आप कहीं भी एंट्री लेते, समझो 70 पे भी लेते, या ये लेवल आया था 65 का लेते, वहाँ से भी दुगना हो चुका है। तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक हो सकता है। तो देखिए, अभी आज के दिन में तो ये अपर सर्किट पे लग चुका है। इसमें अगर क्वांटिटी देखी जाए तो 6,81,888 इसमें बायर से सेलर्स कोई नहीं, इसलिए अपर सर्किट पे लग चुका है। और मेन सबसे इसकी बात क्या है, देखिए ये इनके पास जो लैंड अभी अवेलेबल है उसकी 2002 में वैल्यू 740 करोड़ थी, अभी उसकी वैल्यू और ज़्यादा होगी। इसीलिए जो कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन निकलता है वो और ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से लैंड की कीमत बढ़ रही है उस हिसाब से इसके बाद जो भी लैंड है प्राइम लोकेशन पे वो कीमत दुगनी हो चुकी है। और इसके अगर फंडामेंटल्स देखा जाए तो 3,409 करोड़ की कंपनी है ये। अभी तक कुछ डिविडेंड और कुछ नहीं, क्योंकि अभी ये लिस्ट हुई है फिलहाल, और लिस्ट होने के बाद ये अपने इसके 50 डेज जो भी मूविंग एवरेज है उसके ऊपर है। कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है, इनफैक्ट कंपनी के पास पैसा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा है कंपनी के पास। और हमारे पास अभी इतना डाटा अवेलेबल नहीं है कि हम कुछ इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये हाल ही की लिस्टिंग है। लेकिन इसके शेयर होल्डर प्रमोटर के बारे में बता जाए तो प्रमोटर के पास 26%, FIs के पास एक अच्छा खासा स्टेक है 18.16%। सितंबर में उन्होंने 18.16% उसमें स्टेक खरीदा है FIIs ने। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर को इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। हालांकि DIIs के पास भी, इसके पास 1.5% के आसपास स्टेक है, गवर्नमेंट कंपनी इसलिए गवर्नमेंट के पास 0.27% है, और पब्लिक
पब्लिक होल्डिंग इसमें सबसे ज्यादा है, 54% पब्लिक ने होल्ड करके रखा है ये कंपनी में। नेट कैश फ्लो भी देखा जाए तो जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में आ चुका है। मार्च में 2.88 करोड़ हो चुका है अभी ये, और एसेट एलोकेशन भी इंक्रीज है, टोटल एसेट। और इसका कंपैरिजन किया जाए उसके पीर ग्रुप से तो देखिए, इसका मार्केट कैप अभी कम है, 3408 करोड़ दिखा जो रहा है। अगर इनकी लैंड की कीमत इनके मार्केट कैप में ऐड की जाए तो ये कंपनी कम से कम ये लेवल पे ट्रेड करेगी, 3 या 4 नंबर पे आ जाएगी सीधा, अगर इसका लैंड बैंक का कीमत कैलकुलेट किया जाए तो। और इसका लैंड बैंक का कीमत अभी कुछ दिनों में शायद कैलकुलेट हो भी सकता है, क्योंकि ऐसी ही न्यूज़ जो चल रही है मार्केट में उस वजह से ये अभी शेयर अपर सर्किट और से अपर सर्किट चल रहा है। और परफेक्ट री रेटिंग का कैंडिडेट जिसे बोलते हैं ये शेयर हो सकता है, जिसकी री रेटिंग हो सकती है 2021 में। और जितनी भी इनकी लैंड बैंक है अगर उस हिसाब से कीमत निकाली जाए तो ये शेयर 500 या 600 पे ट्रेड करना चाहिए, जो अभी 131 पे अपर सर्किट पे जो लगा है। इस शेयर का कीमत 500 या 600 रुपये पर शेयर होना चाहिए, तब ये इसकी लैंड बैंक और इसकी शेयर प्राइस को रिस्पेक्ट करेगा। अभी फिलहाल तो बहुत नीचे चल रहा है, इसलिए ये कंटिन्यूसली देखिए, ये कहाँ आ गया था दिसंबर में 70 तक, तो 70 रुपीज़ को मिल रहा था, उसके एक महीना पहले भी 65 रुपये को मिल रहा था। वहाँ से लेके दुगना रिटर्न इसमें मिल चुका है एक्चुअली ट्रेडर्स को। तो ये कंपनी के बारे में भी आप अपना रिसर्च कीजिए जो भी कर सकते हो। और मनी कंट्रोल पे भी देखा जाए तो मनी कंट्रोल पे भी इसका जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब पॉजिटिव में हैं। और फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो बूस्ट मिला है उस हिसाब से तो ये कंपनी काफ़ी सही लिखती है। इसमें आज का वॉल्यूम हुआ है 6 करोड़ के ऊपर, नहीं वो अगले पिछले दिन का था, इसमें 8 लाख के ऊपर वॉल्यूम है, 8 लाख के ऊपर आज इसमें वॉल्यूम हुआ है। और इस पे जो एनालिस्ट इसको कवर करते हैं उस हिसाब से तो ये सब बुलिश है शेयर पे अभी भी। देखिए जो एनालिस्ट ने बोला है इस पे बाय रिकमेंडेशन 24% और सेल रिकमेंडेशन 76%, ये कब का था, जब ये टाटा कम्युनिकेशंस के साथ थी। पर अब जब ये टाटा कम्युनिकेशन से बाहर निकली है तो इसका ओवरऑल पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है, और ये अपर सर्किट टू अपर सर्किट ही चलने वाला शेयर हो सकता है आगे जाके, जब तक ये 500-600 तक नहीं जाता। तो मुझे ये काउंटर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप भी इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार कंपनी का एनालिसिस कर लीजिए और फिर इसमें आप छोटी छोटी क्वांटिटी ले सकते हो। तो ये ओवरऑल हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड के बारे में मुझे जो पता था मैंने आप तक पहुंचा दिया है। बाकी आप अपना रिसर्च कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय ट्रेडिंग।